शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद वार्ड 21 में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय परिसर में नवीन कंप्यूटर लैब का उद्घाटन निगम भिलाई के सभापति गिरिवर बंटी साहू एवं जोन 2 के अध्यक्ष रामानंद मौर्य के हाथों शाला परिवार व विद्यार्थियों की उपस्थिति में किया गया। 5 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्यार्थी अपने शिक्षक गणों का स्वागत सम्मान किया करते हैं और ऐसे मौके पर शिक्षकगण द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा दान के अलावा अन्य प्रकार के उपहार भी दिए जाते हैं। परंतु शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद भिलाई की प्राचार्य सुश्री एवी मिसर के प्रयासों से शिक्षक दिवस के अवसर पर शाला के विद्यार्थियों को स्वयं का अत्याधुनिक नवीन कंप्यूटर लैब प्राप्त हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन निगम भिलाई के सभापति गिरिवर बंटी साहू और निगम भिलाई जोन 2 के अध्यक्ष रामानंद मौर्य के हाथों संपन्न हुआ। तत्पश्चात माँ सरस्वती के तैल चित्र पर धूप दीप प्रज्वलित कर वंदन किया गया। उसके बाद दोनों ही अतिथियों ने कंप्यूटर लैब का निरीक्षण बारीकी से किया और स्वयं कंप्यूटर पर बैठकर उसकी गुणवत्ता की जाँच की। इस अवसर पर अतिथियों ने शाला परिवार और विद्यार्थियों को नए कंप्यूटर लैब की ढेरों बधाइयाँ दी हैं और पूरे शहरवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। शाला प्रांगण में मंचीय कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को गुलाल लगाकर उनका अभिनंदन विद्यार्थियों ने किया। उसके बाद अतिथियों ने अपने उद्बोधन में शाला परिवार को बधाइयां दी और नवीन कंप्यूटर लैब को स्कूल के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताई। आज सबसे पहले मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और बच्चे लोग को भी बधाई देता हूं कि आज इस स्कूल में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हुआ और इससे शिक्षा का स्तर और बढ़ेगा। बच्चों को किस तरह की सलाह देंगे कि वो कंप्यूटर लैब उनको मिल गया है? बहुत जगह भी अभी भी बहुत सारे स्कूलों में कंप्यूटर नहीं पहुंच पाया है, तो ये उनका सौभाग्य है। उनको किस तरह से सीख देंगे कि वो अच्छे से अच्छा पढ़ाई करें? मैं बच्चे लोग को ये सीख देना चाहता हूँ, जैसे कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर के जो बेसिक चीज़ है उसकी जानकारी लेना चाहिए और आगे हमको इस कंप्यूटर से हमको और क्या क्या सीखा जाता है, जिससे उसके विद्यार्थी को आगे के स्तर में अच्छे पहचान मिल सके, ये मैं बताना चाहता हूँ विद्यार्थी को, यही देना चाहता हूँ। इस उपलब्धि को तो प्रथम मैं इस स्कूल को और इनकी टीम, हमारे विशेष करके अभिषेक यादव की टीम को मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि सारे बच्चे बहुत लगन और उत्कृष्ट पढ़ाइयाँ करें और उससे आने वाले भविष्य में उनका उज्ज्वल भविष्य हो और भविष्य में जितनी भी वो कंप्यूटराइज चीज़ों से उनको फ़ायदा हो सके उसका लाभ उठाएं, क्योंकि आने वाला समय कंप्यूटराइज ही है, हर चीज़ में कंप्यूटर का इस्तेमाल होना है, हर चीज़ में होना है और इसी कंप्यूटराइज से बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। और मैं पुनः शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए इस स्कूल और शाला प्रांगण को ढेर सारी बधाई मैं अपने तरफ से और मेरे दोस्तों की तरफ से दे रहा हूँ। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद भिलाई की प्राचार्य सुश्री एवी मिश्र ने शाला प्रांगण में इस नवीन कंप्यूटर लैब के प्रारंभ होने से काफी खुशी जाहिर की है और इस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए विद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि बताई है। आज शिक्षक दिवस, सबसे पहले मैं शिक्षक दिवस पर छत्तीसगढ़ के भिलाई वासियों के सभी शिक्षक समुदाय को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे विद्यालय में शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर शिक्षक दिवस का आयोजन विद्यार्थियों द्वारा किया गया, साथ ही ICT लैब का इनॉग्रेशन हुआ। विद्यार्थी बड़े उत्साह से सवेरे से विभिन्न तैयारियों में लगे हुए थे। इन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कुछ गीत गानों का भी आयोजन किया है। विद्यार्थी शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं, उनसे प्रेरणाएं ले रहे हैं और इस प्रकार से शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक लंबे समय से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद भिलाई की प्राचार्य सुश्री एवी मिश्र द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि विद्यालय के नवीन भवन बनने के बाद इस विद्यालय में कंप्यूटर लैब प्रारंभ हो जाए, जो आज शिक्षक दिवस के दिन पूर्ण हो पाया है। इससे पूरा शाला परिवार और विद्यार्थी भी काफी हर्षित नजर आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।